हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके हस्बैंड आपको लेकर जो भी आपको बोल रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने ही है, या फिर कुछ अलग तरीके की आपको लेकर सोच रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं? यूनिवर्स, डिवाइन। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी और कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ सकती है। तो मैं बीच बीच में बोलती रहूँगी कि ये कुछ लोगों की हो सकती है इस तरीके से। ओके, पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आप मेंबरशिप में भी ज्वाइंट हो सकते हो। यूनिवर्स, डिवाइन, उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या सोचते हैं? सेल्फ वर्थ, फॉरगिवनेस, इनसिक्योरिटी, सर्विस, सोलमेट, गुड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, परसेप्शन, रिन्यूअल, कंप्लीसेंसी, जॉय, ग्रीफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड परफेक्शन। ओके, तो यहाँ आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत ही 10% ही है एनर्जी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 20% है। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड के जो एनर्जी है, मैं आपको कुछ बातें उनके बारे में बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पैसों से लगाव है, पैसों को लेकर ही बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, ध्यान है, इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, इतना याद रखो। और वो जानबूझकर पैसों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ होता है, ऐसा उनका मानना है। वो आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी वाइफ हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करती भी हो, इस तरीके से उनको लगता है। यहाँ आपके हस्बैंड के मन में थोड़ा डर भी है, पैसों को लेकर डर है, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर डर है, अपनी फैमिली को लेकर डर है, इमोशंस को लेकर डर है, कहीं मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, इसका भी उनको डर लगता है। जिसके चलते आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराने की कोशिश करते होंगे बार बार। आपने खाना खाया, आपकी तबीयत ठीक है, आपने दवाई ली, आज का दिन आपका कैसा रहा, मतलब हर तरीके से वो सामने से पूछते होंगे, या फिर अपने हाव भाव से भी दर्शाते होंगे कि सब कुछ ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से उनकी जो एक स्वभाव में है, वो फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ ही सेटिस्फाई महसूस करते हैं। आपके हस्बैंड की कुछ बातें ऐसी है कि उनको सेल्फ वर्थ इशू है, अपने खुद को लेकर, जो मैंने कहा इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं, और उनकी तबीयत में थोड़ी इधर उधर होता रहता है। आपके हस्बैंड, कुछ लोगों के हस्बैंड में इस तरीके से मानिए, तो तबीयत बार बार कभी बिगड़ जाती है, सर भारी होता है, या फिर सर्दी हो जाती है, या हाथ पैर दुखते हैं, या फिर ज़्यादा कभी कभी तबीयत खराब भी हो जाती है, और कभी कभी नॉर्मल भी होते हैं, तबीयत बिल्कुल भी ठीक होती है, इस तरीके से। वो जब अपने लोगों से प्यार नहीं मिलता है तब मायूस हो जाते हैं,
अपने लोग उनको समझ नहीं पाते हैं तब दुखी हो जाते हैं। उनके दिलो दिमाग में उनकी फैमिली को लेकर, अपने लोगों को लेकर एक बहुत ज़्यादा खुदगर्जी कहना सही होगा, खुदगर्जी है। अपने लोगों के साथ ही उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप सुनिए कि आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर यही है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर संभालते हो, मेरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो, मेरे जीवन में जो भी सेल्फ वर्थ इशू है मुझे खुद को लेकर, मेरी जो कमज़ोरियाँ है उसको आप ढक देते हो, उसको आप साइड कर देते हो, मुझे स्ट्रॉन्ग फील कराते हो, इस तरीके से वो मानते हैं। हाँ, वो इधर उधर कभी कभी ध्यान देते हैं, उसको लेकर भी वो यही मानते हैं कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि मुझे थोड़ा फ्री और फ्रीडम देती है, एक बहुत ही फ्री महसूस कराती है कि तुम बंधन में नहीं बंधे हुए हो, तुम भी फ्री हो, तुम भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से, आसपास के लोगों को भी अपने जीवन में आसानी से ले सकते हो, इस तरीके से फ्री एक एटमॉस्फेयर देती है, इस तरीके से वो मानते हैं। और आप अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा फ्री एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हो, उसको लेकर भी गिल्टी महसूस करते हो, इसको लेकर भी आप थोड़े दुखी हो जाते हो कि मैं जितना मेरी वाइफ मुझे इतना ज़्यादा फ्री एक एटमॉस्फेयर देती है उतना मैं क्यों नहीं दे पाता हूँ, इस तरीके से आप कभी कभी सोचते हो। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है ही नहीं, आपकी वाइफ को पता है कि आप नहीं दोगे, और वो उनको भी पूरी तरीके से, उनका स्वभाव ही ऐसा है आपकी वाइफ का कि उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से लड़कों कर लिया है, सब कुछ संभाल लिया है, और यहाँ वो आपके बारे में, यहाँ तो आपके हस्बैंड आपके बारे में यही मानते हैं कि हर तरीके से आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, मुझे कॉन्फिडेंट फील कराते हो, मुझे बहुत ही आत्मसंतोष से भर देते हो, मेरे अंदर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर है, इस तरीके से वो खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो डर को आप साइड कर देते हो, दूर कर देते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं खुश महसूस होता हूँ। यहाँ जब मैं दुखी होता हूँ तब आप मेरे साथ खड़े रहते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड आपके बारे में कुछ चीज़ें छुपाते हैं वो आपको भी पता है, लेकिन समय आने पर वो सारी ही बातें आपको बता भी देते हैं, वो सच है। आपके हस्बैंड आसपास की चीज़ों में इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं होते हैं, भटकाऊ जीवन जीना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से थर्ड पार्टी तो बहुत ही दूर रही। आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ी डर ही है, वो आपको भी पता है कि आपके जो हस्बैंड है वो थोड़ा बहुत डरते हैं, जिसके चलते आपके हस्बैंड आपके बारे में यही मानते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत स्ट्रांग है, वो डरती नहीं है, वो हर एक मुसीबत का सामना करती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सामना करना आता है, बहुत अच्छी तरीके से घर संभालना आता है, वो उनके पास कुछ हो या ना हो वो बहुत ही सेटिस्फाई महसूस करती है, उसको सच में जीवन जीना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनके जीवन में मैं बहुत कुछ उनको नहीं दे पाया हूँ, फिर भी वो बहुत ही आत्मसंतोष से अपना जीवन जी रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड आपके बारे में यही मानते हैं कि आप सभी तरीके से परफेक्ट इंसान हो, आप जिस तरीके से अपने जीवन को खूबसूरत तरीके से मेरे सामने रखते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से वो मानते हैं। यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि पैसों को लेकर बार बार दिक्कतें आती होगी आपके घर परिवार के जीवन में, और उससे बाहर निकलना भी आपको आता है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आप उससे बाहर भी निकल आते हो, लेकिन जितनी बहुत बचत होनी चाहिए वो बचत नहीं होती है, जिसको लेकर कभी कभी आप हस्बैंड वाइफ निराश भी हो जाते हो, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर पैसों से थोड़ी है कि वो आपको इतना ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते होंगे, इसको लेकर कभी कभी आप थोड़े नाराज़ रहते हो, लेकिन उनसे कुछ नहीं बोलते होंगे, तो यहाँ आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी वजह से आई है, ऐसा उनका मानना है, खुशी भी आपकी वजह से आई है,
आत्मसंतोष भी आपकी वजह से आया है, उनके जीवन में जो भी दुख है वो सारे ही दुख साइड हो गए हैं आपकी वजह से, ऐसा उनका मानना है। और हर तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीवन जीने का तरीका आपने मुझे सिखाया है, ऐसा उनका मानना है। और हर रोज़ हर तरीके से नए तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को बनाना कोई आपसे सीखे, इस तरीके से वो मानते हैं। आपका हर तरीके का परसेप्शन उनको बहुत अच्छा लगता है, आप तैयार होते हो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। आसपास के लोगों को जो एक अपने जीवन में किस तरीके से लेना है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आपको भी थोड़े बहुत सेल्फ वर्थ इशू है, जैसे कि आपको कुछ बातें सच में नहीं पसंद है, और आपके हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से वो बात जानते हैं। आपके हस्बैंड के आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आप भी कभी कभी घबरा जाते हो, डर जाते हो, लेकिन वो डर दिखाते नहीं हो, बाहरी तौर पर आपको स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में ही दिखना है, अच्छे तरीके से ही दिखाना है, इस तरीके से उनकी सोच है, और ये सच भी है। आपके हस्बैंड आपके बारे में हर तरीके से बेहतरी ही सोच रहे हैं, वो आपको लेकर कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, और आपने उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, लेट गो भी किया है, और उनके लिए हर तरीके से सब कुछ करने की वजह से वो आपकी कोई भी नुक्स कोई भी कमी नहीं निकाल रहे हैं, वो यहाँ अपनी खुद की ही कमियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके हस्बैंड खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा मानते हैं कि वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, वो आपके जितने स्ट्रांग नहीं हैं इस तरीके से वो बिल्कुल मानते हैं। और जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, चाहे इसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए वो डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, और आगे ही बढ़ेगी इस तरीके से। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।